आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत आसान, टेस्टी और यम्मी मिल्कशेक की रेसिपी, जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। इसलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ ठंडा ठंडा थिक चॉकलेट मिल्क शेक, और इसे हम बहुत कम सामान के साथ बनाएंगे और इसके बावजूद ये पीने में बहुत ज्यादा यम्मी लगेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन पे भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और जिससे आपको मेरी वीडियो बिना रुकावट लगातार मिलती रहें। तो चलिए फिर फटाफट से इस यम्मी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सुपर टेस्टी चॉकलेट मिल्कशेक बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मिक्सर जार और इसमें डालेंगे हम 300 ml फुल क्रीम दूध, जो एकदम ठंडा है, और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 5 बड़े चम्मच शक्कर, 3 से 4 आइस क्यूब्स। साथ ही मैं यहाँ ले रही हूँ 5 से 6 डेरी मिल्क चॉकलेट के पीसेस। चॉकलेट नॉर्मल टेम्परेचर पर होनी चाहिए, वरना इसमें सही से मिक्स नहीं हो पाएगी। यहाँ मैंने लिया है 2 बड़ा चम्मच कोको पाउडर। कोको पाउडर को आप किसी भी ग्रोसरी शॉप से आसानी से परचेज कर सकते हैं। यह आपको इस तरह से पैकेट में मिलेगा और ये नॉर्मल कोको पाउडर है। और इसके साथ ही मैं यहाँ ले रही हूँ 2 स्कूप वेनिला आइसक्रीम। आइसक्रीम डालने से इसका फ्लेवर बहुत ज्यादा क्रीमी आएगा। तो सारे इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाल लिए हैं और अब हम इसको कर लेंगे ब्लेंड, और हमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से ब्लेंड करना है, जिससे कि इसमें जो फोम है वो अच्छे से बन जाए। अगर हम कम मिक्स करेंगे तो इसमें अच्छे से फोम नहीं बनेगा और इसीलिए मिल्क शेक जैसा टेक्सचर भी नहीं आएगा। तो मैंने इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया तरीके से मिल्क शेक ब्लेंड हुआ है, ऊपर इसके झाग भी आ गए हैं। तो सर्व करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे ग्लास, और ग्लास को हम चॉकलेट सिरप से डेकोरेट कर लेते हैं। ये चॉकलेट सिरप मैंने होममेड ही बनाया है, आप चाहें तो इसे मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं दूसरे ग्लास को भी डेकोरेट कर लेती हूँ चॉकलेट सिरप से। ग्लास तो हमारे चॉकलेट सिरप से डेकोरेट हो चुके हैं और अब मैं इसमें डाल देती हूँ चॉकलेट मिल्क शेक, और इसका जो चॉकलेट मिल्क फोम है वो भी हम ऊपर से डाल देते हैं, और इसके बाद ऊपर से 1-1 स्कूप वनीला आइसक्रीम दोनों ग्लासेस में डाल लेते हैं। इसके बाद ऊपर से स्प्रिंकल कर देते हैं थोड़ा सा कोको पाउडर, और चॉकलेट मिल्क शेक को गार्निश कर लेते हैं थोड़ी ग्रेटेड चॉकलेट से। तो लीजिए, तैयार है ठंडा ठंडा सुपर टेस्टी चॉकलेट मिल्क शेक। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी ये आसान और सिंपल सी रेसिपी, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।